अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इमाम सईद बात कर रहा हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हमारी टीम पिकनिक पे आई हुई है और हम 220 गए थे, बुंदेवारी गए थे, मवाली गए, रेता गए, बजरी गए, चार पांच बीचेस थे जहाँ पे हम लोग गए थे। अब हम लोग एक और नई जगह पर आए, ये सुनहरा की नहर है, लेकिन ये हबचो से आती है। इसका रास्ता सुनहरा से नहीं है बल्कि पानी वही है और आगे जाता वही हबचो की तरफ जा रहा है। तो ये बहरहाल पीछे की तरफ से जाना पड़ता है, एक और रास्ता है, ये वहाँ से नहर आती है। तो हम अभी इस नहर पे खड़े हुए, डोरे हमने डाली हुई हैं और टीम मेंबर भी मेरे ये रहे सारे, और हुसैन चाचा भी डोर डाल रहे हैं, बच्चे भी ये रहे, और दो तीन मेंबर आगे जा रहे हैं, वो थोड़ा आगे की तरफ से खेलने की कोशिश करेंगे। और वालिद साहब नमाज़ पढ़ रहे हैं, मैंने पढ़ ली। तो ये सारा था। और ये है कि अभी यहाँ पे ये आप नहर को देखें, माशाल्लाह ये नहर का नज़ारा है जो हब चौकी वाले रास्ते से नहर आती है। काफ़ी दूर है ये, आते आते 2 घंटे लग जाते हैं कराची से। कुछ लोग कश्ती पे सफ़र भी कर रहे हैं, बोटिंग कर रहे हैं। और ये पीछे जो है हबको पावर प्लांट है, देखें बिल्कुल करीब है, तो इसकी सिक्योरिटी भी है। वो कभी कभी यहाँ आने में मना भी करती है, लेकिन अभी इन्होंने मना नहीं किया और हम लोग यहाँ पर आ गए खामोशी से। तो वीडियो देखें, माशाल्लाह नज़ारे देखें, इस नहर को देखें, कितनी प्यारी नहर है। तो ये भी एक फ़िशिंग पॉइंट है जहाँ अच्छे अच्छे दाने कभी लग जाते हैं, छोटे तो होते ही हैं, बड़े भी लग जाते हैं। और पिछले साल मैंने यहाँ रात में एक हीरा कनलचा पकड़ा था, तकरीबन 1.5 किलो का था ना था। और एक मेरे दोस्त ने पिटन निकाला था, जो खाते नहीं है, मकरू होता है, और तकरीबन 4-5 किलो का था। तो यहाँ अच्छे अच्छे दाने आते हैं, देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा नज़ारा है। मैं इमाम सईद बात कर रहा हूँ दोस्तों, देखें कुछ लोग कश्ती चलाते हुए नहर के अंदर, गांव वाले लग रहे हैं। तो चलो ठीक है दोस्तों, मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देखें हमने एक स्टिक तैयार की है, ठीक है ना। ये हमारी अच्छी और बड़ी स्टिक है, जो ट्रोलिंग के लिए भी इस्तेमाल होती है और कास्टिंग के लिए भी। तो ये फैसल ने मेरा जो पार्टनर है, उन्होंने पकड़ी हुई है। और मशीन भी हमने काफ़ी अच्छी वाली लगाई हुई है। और आगे इसके हमने ना एक नकली मछली है, जिसको आमतौर पे लोअर भी कहते हैं, बेड भी बोलते हैं, ठीक है ना, रामपाला भी कहते हैं, लेकिन ये रबड़ वाली है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो बस ये है कि अभी यहाँ इसके काबिल कोई मछली तो नहीं है, छोटी छोटी मछलियाँ, लेकिन ऐसी ज़रा स्टिक हमने तैयार की, हमने स्टिक तैयार करके ज़रा स्टिक दिखाते हैं वीडियो के अंदर। तो ये दोस्तों देखें, यहाँ पर जो मछली लगाई है वो ये वाली है,